हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन स्पेलिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, बेन जॉनसन का डिस्कस करते हैं आज, जो जैकोबियन एज के पोएट हैं। और जैकोबियन एज को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेन जॉनसन जिनका लाइफ सर्किल जो है 1513 to 1637 तक रहता है। बेन जॉनसन स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए ब्रिकलेयर एंड ही बिकेम अ प्लेराइट। ही अटैक्ड किंग जेम्स, इन्होंने किंग जेम्स पर अटैक करते हैं। ही अटैक्ड किंग जेम्स बाय राइटिंग ईस्टवर्ड हो। सो ही अलोंग विद चैपमैन एंड मार्स्टन वाज जेल। चैपमैन, मार्स्टन और बेन जॉनसन की जेल हो जाती है। बट लेटर, लेकिन बाद में किंग जेम्स अपॉइंटेड बेन जॉनसन ए पोएट लेवेट। किंग जेम्स ही बेन जॉनसन को पोएट लेवेट अपॉइंट करते हैं। बेन जॉनसन Died in poverty and buried in Westminster's Abbey. Westminster's Abbey में इनको buried किया गया और Westminster's Abbey में ही इन्होंने education प्राप्त की थी। Westminster जो स्कूल था उसमें इन्होंने education प्राप्त की थी। दूसरा पॉइंट है, बेन जॉनसन जो ह्यूमर के मास्टर कहे जाते हैं, इन्होंने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया था इन ड्रामा। ड्रामा में इन्होंने एक न्यू पैटर्न शुरू किया था ऑन क्लासिकल पैटर्न। क्लासिकल पैटर्न पर इन्होंने एक न्यू ट्रेंड शुरू किया था। इसके बाद ही बिकेम अ रिफॉर्मर ऑफ एलिजाबेथन स्टेज। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एलिजाबेथन स्टेज। तो एलिजाबेथन स्टेज के रिफॉर्मर हो जाते हैं। आफ्टर इट बेन जॉनसन इज नोन एज अ कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ शेक्सपियर। इनको क्यों कहा जाता था? ऑल्दो ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर, बेन जॉनसन शेक्सपियर के क्लोज फ्रेंड थे, बट ही नेवर एडमायर शेक्सपियर। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में शेक्सपियर को कभी भी एडमायर नहीं किया था, तो इसीलिए उनको कंप्लीट एंटी थेसिस ऑफ शेक्सपियर कहा गया था। इन्होंने अपनी जो सबसे बेस्ट कॉमेडी थी एवरीमैन, इन हिज ह्यूमर, इसमें बेन जॉनसन अटैक्ड
द रोमेंटिक कंटेम्पोररी कंटेम्पोररी थिएटर्स ही अटैक्ड द रोमेंटिक कंटेम्पोररी थिएटर्स और उनकी और भी कॉमेडीज हैं एपिक्यूरियन द साइलेंट वूमेन भी इसका नाम है सबटाइटल है द अल्केमिस्ट द बार्थोलोमियू फेयर ये भी इनके इंपोर्टेंट कॉमेडीज हैं। तो ये आपको बता दूं इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लासिकल पैटर्न इन्होंने कौन सा नया पैटर्न शुरू किया था तो क्लासिकल पैटर्न और ड्रामा में शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है हु वाज द रिफॉर्मर ऑफ एलिजाबेथन स्टेज एलिजाबेथन स्टेज का बेन जॉनसन थे रिफॉर्मर और हु इज कॉल्ड द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ शेक्सपियर वो बेन जॉनसन थे। यह क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी आ जाता है हु वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर बट ही नेवर एडमायर्ड शेक्सपियर या हेमा कभी भी शेक्सपियर को उन्होंने एडमायर नहीं किया तो वो बेन जॉनसन थे। तो इस पॉइंट्स में से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी में और नेट में पूछे जा चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट और भी हैं लेखक जैसे आपके चैपमैन डेकर मिडिलटन मार्स्टन बेमाउंट फ्लेचर और आपके बेबस्कर ये इंपॉर्टेंट लेखक और भी हैं। अब इनमें हम थोड़ा सा लेते हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित फ्लेचर का नाम आता है। फ्लेचर ने जो कलेबरेशन किया था शेक्सपियर का वो शेक्सपियर और फ्लेचर का हेनरी VIII और द टू नोबल किंग्समैन में इन दोनों का कलेबरेशन रहा था। तो ये आज के लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बेन जॉनसन जो टीजीटी पीजीटी संबंधित है वो आपको दे दिए। अगली वीडियो में मैं आपसे अगली स्टेज में या अगली एज के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू हैव अ नाइस डे।